बिहार के आरा जिले के शाहपुर प्रखंड के इटावा गांव में शादी समारोह का भोजन खाने से दर्जनों लोग बीमार हो गए। बीमार लोगों को आनन फानन में सदर अस्पताल आरा में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक शाहपुर के इटावा गांव में वंशीधर सिंह की 24 वर्षीय पुत्री अंजलि की शादी समारोह का मेहंदी की रस्म चल रही थी। इसी दौरान घर आए मेहमान भोजन करने के बाद फूड प्वाइजनिंग के शिकार हो गए। वहीं जिस लड़की की शादी होनी थी वो भी लड़की फूड प्वाइजनिंग की शिकार हो गई। हालांकि लड़की के परिजन इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। फूड प्वाइजनिंग के शिकार हुए मरीजों का इलाज कर रहे सदर अस्पताल के चिकित्सक ने बताया कि अस्पताल में आने वक्त इन लोगों को दस्त पेट में दर्द की शिकायत थी, लेकिन फिलहाल अभी सब ठीक है। ये तकरीबन 15 लोग हैं और ये लोग जो है बारात में आए, शादी था शायद, हल्दी या माड़ो वाला था, उसमें लोग खाए थे, जिसके कारण से जो है उनको सभी परिवार के लोगों को चाहे जितने भी लोग उसमें मौजूद थे लोग खाए हैं, उसके कारण से फूड पॉइजनिंग हुई है। एक दो लोगों का तो कंडीशन थोड़ा सा ख़राब था, लेकिन अभी जो है सब लोग स्टेबल हैं, बढ़िया हैं और इलाज अच्छे से चल रहा है और सब लोग पूरी तरह से। जब यहाँ ये लोग आए थे उस समय स्थिति क्या थी, इन लोगों को जो है पानी की कमी हो गई थी, उल्टी हो रहा था, पेट में दर्द था, परेशान थे, रेस्टलेस थे, मगर अब सभी लोग ठीक हैं। जिस लड़की की शादी होने वाली वो भी आई है? जी जी, वो भी एक है जो आई हैं और उनका भी ठीक ही है, पहले से बेहतर है सब लोग। अच्छा, क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, मेडिकल अफसर सदर अस्पताल।